तो मालूमात इजाफा कर दीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो फलसफा शहीद आजम क्या है सुन लीजिए। रसूल जानते थे कि मेरे व्यक्ति के बदन से जो बच्चा पैदा होगा वो शहीद होगा। हजरत फातिमा भी जानती थी कि मेरा रक्त हिला मैदान कर्बला में 72 के साथ हाजिर होगा, खाना पानी बंद होगा और बड़ी बहन बेरहमी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। हजरत अली जिनकी तलवार की खनक सुनकर बड़े बड़े सुरमा का पानी निकल जाता है, बड़े बड़े सुरमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, उन्होंने भी रसूल की बारगाह में ये मालूदा पेश नहीं किया, ऐ अल्लाह के रसूल आप हबीबे परवरदिगार हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप इशारा कर दे तो तकदीर बदल जाए, ऐ अल्लाह के रसूल आप खुदा के ऐसे महबूब हैं कि आपसे खुदा राजी और आप खुदा से राजी, ऐ अल्लाह के रसूल सुआ मेरे नहते चिकर का है, ऐ अल्लाह के रसूल सुआ आपकी बेटी की गोद के उतरने का है। किसी ने कभी शिकायत की ही नहीं, ना फातिमा ने शिकायत की और ना हैदर तर्रा ने शिकायत की और दर्जा बाबा दर्जा ना इमाम हुसैन ने शिकायत कि जब इमाम हुसैन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बागा में आते तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस काम में भी मसरूफ होते छोड़ आते और हजरत इमाम हुसैन को करीब करके सीने से लगाए। जो शहीद होगा